हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, इंडिया रिआइट्रेट्स कॉल फॉर अ सॉवरन पेलेस्टीन स्टेट। तो क्या है इंडिया रिआइट्रेट, क्या कह रहा है सॉवरन पेलेस्टीन स्टेट को, वो देखते हैं। चलिए, पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए पेलेस्टीन है कहाँ पे, और पेलेस्टीन, इसराइल, इंडिया क्या बात है क्या नहीं है वो हम देखेंगे। तो उससे पहले हमें लोकेशन पता होना चाहिए वर्ल्ड में हम कहाँ पे देख रहे हैं। तो अब देखिए, ये हो जाता है हमारा इसराइल, ठीक है। आप देखिए, ये हो गया हमारा इसराइल, ये इसराइल का आपका बाउंड्री है। ऊपर में आप देखिए, यहाँ पे लेबनन, नॉर्थ में ये वाला पार्ट, यहाँ पे सीरिया, आपके नॉर्थ ईस्ट में, आपके ईस्ट में आप देखिए जॉर्डन, जॉर्डन के आगे यहाँ पे यूएई हो जा रहा है, आपके इधर साउथ में, और आप इसको साउथ वेस्ट कहिए, ये सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का, ये यहाँ पे इजिप्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी। अब इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला एक पार्ट गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे लड़ाई चल रही है, और ये वेस्ट बैंक, यहाँ पे इन दो जगह पर पेलेस्टीन है, इसी दो जगह को पेलेस्टीन माना जाता है, ठीक है। आप देखिए, वहाँ पे दो सबसे बड़े शहर, जेरूसलम जो इसराइल अपना कैपिटल भी मानता है, और राम अल्लाह। तो देखिए, यहाँ भी राम प्लस अल्लाह, तो भाई जब नाम में ही पहले ऐसे बन चुका है तो आपस में लड़ाई क्यों है, मेरे को समझ नहीं आती। खत्म करो यार, पढ़े लिखे बनो, तुम अपना धर्म फॉलो करो, तुम अपना फॉलो करो, बीच में क्लैश होना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल क्लैश की बात ही नहीं है यार। अपना अपना धर्म फॉलो करो, पीसफुली रहो, ना तुमको कोई नमाज पढ़ने से रोक रहा है, ना तुमको कोई हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक रहा है, बस अपने अपने टेरिटरी में रहो, बढ़िया अपना काम करो। पर लोग नाम को देख के भी नहीं समझ पाते, राम अल्लाह एक साथ लिखा हुआ है तो मतलब कुछ तो है, लड़ना थोड़ी है। तो अब देखिए, ये इसका हो गया लोकेशन, और यहीं पर आपका एक कोस्टल बॉडी है तेल अवीव, जहाँ पे आपकी सारी की सारी एम्बेसीज है इसराइल के अंडर में। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या इस आर्टिकल में है, जब हमने लोकेशन चेक कर लिया। इंडिया रिइटरेट्स इट्स कॉल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सॉवरन पैलेस्टीनियन स्टेट ऑन थर्सडे विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेइंग दैट देयर वॉज एन ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल। ऑपरेशन अजय, ये ऑपरेशन मैंने कल के न्यूज़पेपर में कवर किया है, ऑपरेशन अजय, वहाँ से गाजा स्ट्रिप से इसराइल से लोगों को बुलाने के लिए, मतलब इंडियन सिटीजन को निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन स्टार्ट किया, ऑपरेशन अजय, इंडियाज मिशन टू रेस्क्यू इट्स सिटीजन फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट हिट इसराइल। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, बिगेन ऑन थर्सडे इवनिंग विद द एयर इंडिया फ्लाइट रीचिंग इसराइल टू इवैक्यूएट 230 इंडियंस। अकॉर्डिंग टू द पीटीआई रिपोर्ट, द फ्लाइट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न टू द नेशनल कैपिटल अराउंड 5 AM ऑन फ्राइडे। तो आज के दिन सुबह 5 बजे ये पहुंच जानी थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर स्पोक्स पर्सन अरिंदम बगाची सेड एट हिज वीकली प्रेस ब्रीफिंग दैट इंडिया इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। कौन कौन रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स है? ऑन द फास्ट अनफोल्डिंग सिचुएशन, इंडिया ऑलवेज एडवोकेटेड द रिजम्पशन ऑफ डायरेक्ट नेगोशिएशन टूवर्ड्स इस्टेब्लिशिंग अ सोवरेन इंडिपेंडेंट एंड वायबल स्टेट ऑफ पेलेस्टीन। तो मतलब ये चीज़ इंडिया हमेशा इसके फेवर में रहा है कि भाई स्टेट करो, और टू नेशन जो थ्योरी है कि बात करो टू नेशन बना दो, उसी की बात हो रही है। लिविंग विद इन सिक्योर एंड रिकोगनाइज बॉर्डर साइड बाई साइड एट पीस विथ इसराइल, जो साइड बाई साइड रहे पीस में इसराइल के साथ। मिस्टर बगाची सेड एम्फसाइजिंग दैट इंडियाज पोजिशन ऑन पेलेस्टीन हैज बीन लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंट एंड दैट देर हैड बीन नो चेंज इन दैट पॉलिसी। तो इंडिया बोल रहा है यहाँ पे किसी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है। अर्लियर इन द डे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हेल्ड अ राउंड ऑफ मीटिंग विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। स्टॉक ऑफ द सिचुएशन मतलब क्या सिचुएशन चल रहा है उसके ऊपर अपडेट ले रहे थे, यहाँ पे अपडेट लिया गया है। मिस्टर बगाची एडेड दैट देयर आर अराउंड 18,000 इंडियन इन इसराइल राइट नाउ विद अबाउट अ डजन इन वेस्ट बैंक एंड एटलीस्ट 4 इन गाजा स्ट्रिप। तो आप देखिए, साफ बात है, 4 गाजा स्ट्रिप में है, आपके 12 के करीब वेस्ट बैंक में है, और 18,000 आपके इसराइल में है, दैट इज बींग बॉम्बेड बाई इसराइल। तो ये गाजा स्ट्रिप की बात हो रही है। दिस इज अ डायनेमिक सिचुएशन, इट इज इवॉल्विंग, मतलब और बढ़ रहा है। आई वुड रिक्वेस्ट इंडियन इन इसराइल प्लीज डू रजिस्टर विद द एम्बेसी ऑफ इंडिया इफ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड टिल नाउ। एम्बेसी कहाँ पर है इंडिया की? तेल अवीव में, जैसा मैंने आपको लोकेशन बताया, अभी मैं फिर से दिखाऊंगा। वी विल हैव मोर फ्लाइट्स डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। तो जैसे जैसे डिमांड होगा, लोग रजिस्टर कराएंगे कि हमें भी ले आओ इंडिया में,
वैसे वैसे फ्लाइट्स अरेंज की जाएंगी, मिस्टर बगाची सेड, इंडिकेटिंग दैट द यूनियन गवर्नमेंट इज कीपिंग ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल एंड विल प्रेस मोर एयरक्राफ्ट इनटू सर्विस फॉर द ऑपरेशन इफ नीडेड. कौन सा ऑपरेशन? अजय. वन इंडियन केयर गिवर फ्रॉम केरला वॉज इन इंजर्ड इन अटैक बाय हमास लास्ट सैटरडे, मिस्टर बगाची सेड, एडिंग दैट अ पर्सन इज करंटली अंडरगोइंग ट्रीटमेंट. देर हैज बिन नो इंडियन कैजुअलिटी. कैजुअलिटी मतलब अभी तक कोई मरा नहीं है, कोई भी इंडियन. इट्स अ टेररिस्ट अटैक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है इट्स अ टेररिस्ट अटैक. मिस्टर बगाची कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट इंडिया इंडिया कंसिडर लास्ट सैटरडे स्ट्राइक अगेंस्ट इसराइल अ टेररिस्ट अटैक. तो इसको टेररिस्ट अटैक माना जा रहा है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड कंडेम्ड टेररिज्म एंड एक्सप्रेस सॉलिडेरिटी विद द इसराइल पीपल फॉलोइंग द अटैक बाय हमास ऑन सैटरडे. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साफ बोला है कि इसराइल को हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमने उनके ट्वीट में देखा था. द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन सेड दैट देर वॉज अ यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन, क्या, टू ऑब्जर्व ह्यूमैनिटेरियन लॉ बट ऑल्सो एम्फसाइज द रिक्वायरमेंट टू फाइट अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म. उन्होंने बोला कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म हमें देखना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन लॉ हमें फॉलो करने चाहिए, पर हमें लड़ना भी चाहिए. किससे? इंटरनेशनल टेररिज्म से. However, Mr. Bagachi did not give a clear answer to a journalist question on whether India consider करता है consider Hamas a terror organization, saying that such a determination was responsibility of other departments. The MEA spokesperson said, "Our focus is on help is to help our citizen." तो उन्होंने diplomatically इस answer question को कि क्या वो Hamas को terror organization consider करता है, उसको इन्होंने answer ही नहीं किया. His comments were the first set of detailed remarks from the Ministry of External Affairs about the situation in West Asia since Saturday air, land and sea attack on Israel and its retaliatory air attack on Gaza Strip. तो आप देखिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं, just a second, ये West Asia का पार्ट है. मैं देखूँ अगर और कोई मैप दिखे. Just a second. चलिए, जैसे ये एक मैप हम लोग देख रहे हैं, नहीं वैसे यही मैप ज़्यादा हमारे लिए क्लियर हो जाता है. देखिए, जैसे ये मैप हमने देखा, तो आप देखिए गाजा स्ट्रिप में बताया जा रहा है कि यहाँ पे चार लोग हैं इंडियंस. वेस्ट बैंक में हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे 12-14 लोग हैं, और ये इसराइल में हमारे 18 के इंडियंस है. तो ये सिचुएशन है, और यहाँ पे चार लोग हैं और इसराइल यहीं पे रिटेलिएट करके बॉम्बार्डिंग कर रहा है. तो ये यहाँ पे इन चार लोगों के लिए, और इसराइल यहाँ पे टेल अवीव है, यहाँ पे इंडियन एम्बेसी है. बोला जा रहा है कि यहाँ पे आइए, रजिस्टर करिए लोगों को, और जैसे जैसे लोग रजिस्टर होंगे हम अपने फ्लाइट्स बढ़ाते जाएंगे. ये इंडियन गवर्नमेंट का स्टांस है. उन्होंने अभी तक गाजा को नहीं बोला है कि टेररिस्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोला है. उन्होंने गाजा को इक्वेट नहीं किया टेररिज्म से, और डिप्लोमेटिकली उस आंसर को छोड़ा है. बस हमारे पीएम ने साफ बोला है, वी स्टैंड विथ इसराइल. तो इतना ही हमारा स्टैंड है, और हम इसको पैलेस्टीन को, वेस्ट बैंक और गाजा, इसको हम लोग एक सॉवरेन नेशन मानते हैं. सो इस आर्टिकल में हमारे लिए इतना ही था. आप देखिए, अगर हम लोग देखना चाहें, जस्ट अ सेकंड. तो मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया, हमारे लिए इस आर्टिकल में बस इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है. सबसे पहले अगर हम लोग एक इज़राइल को देखें मैप, यहाँ पे अगर गाज़ा पट्टी है, यहाँ पे आपका वेस्ट बैंक है, ये आपका वेस्ट बैंक, ये गाज़ा स्ट्रिप. नीचे में आप देखिए, नीचे में आपके पास आ जाएगा इजिप्ट. ये लोकेशन मैं इसलिए बार बार कर रहा हूँ, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. जॉर्डन, सीरिया, लेबनन, मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे पानी है पूरा आपका. हम लोग इसको यहाँ पे पैलेस्टीनियन रहते हैं. आप देखिए वेस्ट बैंक में और गाजा स्ट्रिप में, यहाँ से पहले बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट हुई, टेररिज्म के अटैक स्टार्ट हुए, फिर यहाँ पर आपका ये रिटेलिएट करने लगे इसराइल वाले. गाजा स्ट्रिप में 3 इंडियंस है, 4 इंडियंस है. यहाँ पे इसराइल में आपके 18,000 इंडियंस है,
और आपके वेस्ट बैंक में आप देखिए 12-14 इंडियन है। तो ये था हमारा इंडियन सिटीजन के ऊपर अपडेट। यहाँ पे तेल अवीव में आपका इंडियन एम्बेसी है, सो उसको गवर्नमेंट निकाल रहा है कौन से ऑपरेशन से, ऑपरेशन अजय से। सो थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।